तो आप लोग सभी कैसे हैं? तो आइए, इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं SKMU का एग्जाम फॉर्म कैसे भरेंगे, सेमेस्टर 5 का जो भरना है उसको कैसे भरेंगे ये बताते हैं इस वीडियो में आपको। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा SKMU और उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टैब ओपन होगा उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये टैब है सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एग्जाम डिपार्टमेंट सेक्शन में जाके आपको एग्जाम फॉर्म पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपका टैब खुल जाएगा। टैब खुलने के बाद यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना होगा। यूजर नेम जिसको किसी को पता है तो वो डाल के खोल सकता है, जिसको मतलब जिस स्टूडेंट को पता नहीं है वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल नेम मांग रहा है तो आप जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। लिखने के बाद आपको सर्च क्लिक कर दीजिए, उस पर आपका आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। सिंपली आइए हम आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करते हैं। आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आपको पासवर्ड जो भी है आप वो डाल दीजिए और आपको लॉगिन वाले सेक्शन पे टैप क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपलोड प्रोफाइल एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करेंगे। जिसका अपलोड नहीं है तो वो कर सकते हैं। जैसे कोर्स में UG सेलेक्ट कर दीजिए, सेमेस्टर में 5 सेलेक्ट कर दीजिए और रोल नंबर, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे टाइप क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड में जो दिखाई दे रहा है आपको UG सेमेस्टर 5 एग्जामिनेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये टैब खुलेगा। इसमें आपको कोर्स में UG कर ले सिलेक्ट, स्ट्रीम में आपको जौन सा भी स्ट्रीम है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो आप क्लिक कर लीजिए। मेरा साइंस है तो मैं साइंस कर लीजिए। और सेमेस्टर में आपको 5 क्लिक करना है। स्टूडेंट टाइप में आपको रेगुलर और आपका जो भी रोल नंबर है वो आप रोल नंबर यहाँ आप फिल कर दीजिए और उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद आइए सर आपका टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नेम आ गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी ये सारा चीज़ है फिल आ गया। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ एडमिशन, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज है कि डेट ऑफ एडमिशन क्या डालना है, सेमेस्टर 1 का डालें, सेमेस्टर 3 का डालें या सेमेस्टर 5 का डालें। तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर 5 का एडमिशन डालना है, जो इसमें डेट दिया होगा वही डालना है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहा है कि इसमें 2022 तक ही है और एडमिशन तो 2023 में हुआ है तो कैसे डालेंगे। तो आपको इसमें क्लिक करना है, उसको छोड़ के आपको जो डेट दिया हुआ है उस पर आप सीधा इसमें टाइप कर दीजिए और अब इधर क्लिक कर दीजिए, ये आपका हो गया। और एड्रेस, एड्रेस में जो आपका है, एड्रेस में जो आप यहाँ पे है आपको वो फिल कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है फिल करने के बाद फिल कर दीजिए एड्रेस। पिन कोड आपको से मिल मांगा जा रहा है, जो भी आपका पिन कोड है मार्क डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका डाल के और यहाँ पे स्टेट क्लिक कर दीजिए। यह आपका आ गया परमानेंट एड्रेस और प्रोपरेशन एड्रेस अगर यदि सेम है तो यहाँ पे एक टैब दिया गया, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये दोनों का सेम आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जौन सा कॉलेज का है, जिसके पथरगामा कॉलेज का है या गोडा कॉलेज का है या ST कॉलेज का है, जो सा भी कॉलेज का है यहाँ पे आपको असेंबली वो दिखाया जाएगा। जौन सा भी ऑनर्स होगा, मैथ साइंस या हिंदी कुछ भी अगर लिए होंगे तो उसमें, और जैसे मेरा मैथ है तो इसमें आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको DSE, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज है कि DSE में क्या डालना है। तो DSE में आपको जौन जौन सा ऑनर्स होगा, जो जो भी आपको हो गए वो आप क्लास टीचर से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या डालना है। तो जैसे मैथ वालों के लिए आपको इसमें डालना है मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस पे क्लिक करना है। और DSE 2 में आपको इसमें क्लिक करना है मैकेनिज, एक है मैकेनिज और एक है मैकेनिज्म, तो इसमें ध्यान देंगे तो मैकेनिज भी आप उसे क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके देख लीजिए सारा चीज़ आपका यदि सही है, रोल नंबर वगैरह सारा चीज़ चेक कर लीजिए, नाम वगैरह जितना चीज़ है सब चीज़ सही करने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो
आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका मांग रहा है पेमेंट, पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ आप जाइए, गो टू SBI पेमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। पेमेंट के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जिस पे भी पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, इस पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पेमेंट कर दीजिए। जैसे आपको UPI से करना है, या यहाँ पे UPI में दो चीज़ दिया गया है, एक QR, एक QR दिया गया है और एक UPI ID से। अब जिसमें जो भी है वो आप UPI QR से कर सकते हैं। जैसे हमको UPI QR से करना है तो UPI QR पे क्लिक करके तीनों पे आपको करना है क्लिक। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर समरी वगैरह सारा चीज़ आ गया, तो आप यहाँ पे सिंपली पे नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे खुल रहा है, खुलने के बाद आप यहाँ से स्कैन करने के बाद आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिए, इसमें आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद, पेमेंट सक्सेस होने के बाद, यहाँ पे आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा वो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, ये पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद आपको फिर से सिलेक्ट कोर्स पे क्लिक करना है, स्ट्रीम में जो भी आपका क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सेमेस्टर 5 रेगुलर स्टूडेंट, और यहाँ से डालने के बाद सर्च कर लीजिए। ये अगर यदि नहीं खुल रहा है तो फिर भी आप फिर से लॉग आउट करके एक बार ऑलरेडी ओपन करेंगे, ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या होगा, पेमेंट फेल हो गया, वो प्रिंट आउट नहीं निकलता है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपका रिफंड हो जाएगा। तो जैसे भी दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर यदि अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।